यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। ऐसी अनोखी शादी आपने कभी नहीं देखी होगी। इस शादी में ना घोड़ा था, ना गाड़ी और ना ही थी डोली। इस शादी में दुल्हा दुल्हन को रिक्शे में बैठाकर हुई विदाई। दुल्हन के घरवाली दूल्हे को रिक्शे पर आता देखकर भौचक्के रह गए। इतना ही नहीं, शादी के रिसेप्शन के दिन रक्तदान शिविर भी लगाया गया। इस शिविर में सभी मेहमानों ने आशीर्वाद देने के बाद रक्तदान भी किया। इन्होंने दूसरों से आगे बढ़कर उस पर अमल किया और वो बात समाज में बाहर निकलकर इनके जरिए आई है। तो वैसे तो मेरा ये रहा पिछले तकरीबन 17-18 साल से कि समाज में कुछ ऐसा हमेशा ही करते रहना चाहिए जिससे प्रेरणा समाज में जाए और कुछ ना कुछ लोग मोटिवेट होकर समाज के लिए अच्छा कर पाए। पेशे से लेखक और डॉक्टर दुल्हे लखविंदर ने दहेज प्रथा के विरोध में ये कदम उठाया। मतलब जो आजकल शादी हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और गाड़ी वगैरह में बहुत खर्च होता है। अगर कोई हम किसी को कहते हैं कि आप सिंपल मैरिज करो तो कोई भी ये काम करने के लिए तैयार नहीं होता, तो वो कहते हैं कि यार इसमें बेइज्जती है या फिर हम ये नहीं करना चाहते। तो हम चाहते हम कहते थे कि हम मतलब कह के नहीं, हम करके दिखाएं। तो हमने इसलिए एक शुरुआत कर दी है कि मैरिज सिर्फ गाड़ियों में नहीं होती, मैरिज एक रिक्शे पर भी हो सकती है। लखविंदर का मकसद था युवाओं को दहेज प्रथा और फिजूल खर्ची के खिलाफ जागरूक करना। अगर ऐसी ही मुहिम चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब देश से दहेज प्रथा का नामो निशान मिट जाएगा।